हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम में से बहुत सारे डॉग पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि क्या इन्हें भी ब्रश कराना ज़रूरी है, या अगर ना कराएं तो क्या होगा, क्या इनके भी दांत में बैक्टीरिया लगेगी और क्या इनका भी दांत सड़ेगा, ख़राब होगा, या अगर कराएं तो कब कराएं, क्या राइट टाइम है कराने का, कब से स्टार्ट करें। तो इन सारे सवाल का आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो पहला है कि जी, इन्हें भी ब्रश कराने पड़ती है, और अगर हम ना कराएं तो इनका ये होगा कि जो दांत में गंदगी रहेगी वो मुंह में जाने के वजह से इनके पेट में इन्फेक्शन वगैरह होगा, तो इस वजह से ब्रशिंग ज़रूरी है। दूसरा, हमें ब्रश कराना चाहिए तब जब इनके सारे दांत निकल जाएं और जो पुराने दांत हैं वो सारे गिर जाएं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि इनके दांत कैसे गिरते हैं, तो हमारा यही रहेगा कि सही समय 6 मंथ से इनके सारे दांत आ गए रहते हैं, तो उस वक्त इन्हें ब्रश कराना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट करते हैं तो फिर ये हो सकता है ना करने दें, ये भी एक कारण है। तो बेस्ट टाइम है 6 मंथ से आप इन्हें ब्रश कराना स्टार्ट कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कौन से पेस्ट यूज़ करने चाहिए। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बहुत सारे पेस्ट आते हैं, तो आप पेस्ट लेते वक्त एक बात बस ध्यान रखें कि पेस्ट पे इंजाइम नाम का कुछ भी यहाँ पे प्रिंट हो, इंजाइम या इंजाइमेटिक ऐसा करके होगा, इंजाइम या इंजाइमेटिक ऐसे करके लिखे रहेगा आपके पेस्ट पे, तो ही लें वरना ना लें, क्योंकि जो ये पेस्ट है ये इंजाइम लिखे रहेगा तो ही इसके लिए ये फ्रेंडली है, इसके पेट में जाने पे इसे हार्म नहीं करेगा। और अगर आप जो इंसान का जो हमारा टूथपेस्ट है वो अगर यूज़ करते हैं तो वो इनके लिए एक तरह से जहर है, तो इनसे आप जो आपका शॉप है, जो पेट शॉप है आपके घर के पास, वहाँ जा करके और कोई भी कंपनी का बस इंजाइम लिखा हो वैसा पेस्ट लेके आएं। और ब्रश मैंने लिया है, आप देख सकते हैं ये दो साइड से ब्रश है, एक बड़ा साइज़ है एक छोटा साइज़ है, तो मैं तो बड़े साइज़ से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा। और स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए आपको उंगली वाले ब्रश मिलते हैं जिसे आप पेस्ट लगा के आप ब्रश कर सकते हैं, तो ये रीजंस थे ब्रशिंग कराने के। चलिए देखते हैं कि माफिया को कैसे ब्रश कराएं, और कुछ इसी तरीके से आप भी अपने डॉग को ब्रश करा सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि एक ही बार पूरा पेस्ट ले करके और फिर हम ब्रश करते हैं, तो इन्हें वैसे नहीं करना है क्योंकि इनके जो पेस्ट है उसे फोम नहीं होगा, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ले करके और सब तरफ बारी बारी करना है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। मैं थोड़ा सा लिया, सामने के दांत में, ये जब आप ब्रश करेंगे उस समय थोड़े जीभ निकाल के चाटेंगे, वो करने दो, से कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इनके सारे दांत पे बढ़िया से ब्रश घुमा दें। और ब्रशिंग के वक्त आपके साथ अगर कोई मुंह इनके मुंह को पकड़ने वाला हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि बहुत अच्छे तरीके से फिर दांत में अच्छे तरीके से ब्रश होगा। फिलहाल मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। जो इनके बड़े बड़े दांत हैं उनमें भी अच्छे तरीके से साफ कर दें। उसके बाद फिर आपको थोड़ा लेना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना है, ऐसा नहीं कि ज्यादा ज्यादा, कहते हैं इसे
ज्यादा साफ होगा, बस हर दांत में पहुंचना चाहिए। माफी नौ। फिर इनके जो साइड वाले दांत हैं उनमें और पीछे तक पूरे अंदर तक जहाँ तक दांत है, मोलार जहाँ रहता है अंदर में, और अगर अंदर तक आपका ब्रश ना जाए तो, या ज़्यादा अंदर तक अगर आपका डॉग ना करने दे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पीछे का जो इनका टंग का सरफेस रहता है वो रफ रहता है, तो ये जो अंदर वाले साइड वाले दांत हैं एकदम अंदर वाले वो खुद से ये साफ कर लेते हैं। ओके ये कुछ इस तरीके से आपको पूरे अंदर तक साफ करनी है। उसके बाद सेम उसी तरीके से आपको इस साइड भी साफ करना है। साइड वाले ऊपर नीचे दोनों दांत आपको बढ़िया तरीके से ब्रश कर लेनी है, और ब्रशिंग ब्रशिंग के वक्त ये जिब निकालेंगे, ये नॉर्मल है तो इससे आपको कुछ दिक्कत नहीं है। बस आप ये देखें कि ब्रश और पेस्ट सारे दांत तक पहुंच जाए, और फिर इसी तरीके से आपको ब्रश करनी है। अभी मैं वीडियो में आपको थोड़े थोड़े करके दिखा रहा हूँ, बट आप हर साइड एक एक मिनट, 1 मिनट इस साइड, 1 मिनट इस साइड, और 1 मिनट सामने, 3 मिनट आप कर दे ब्रश, बहुत है। और उसके बाद ब्रश कराने के बाद आप थोड़ा पानी लेकर के बस इसके सारे दांत को पोंछ दें, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंजाइम लिखा हो तो फिर पेट में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें हार्म नहीं करेंगे, ये ऐसा बनाया ही हुआ है ये पेस्ट। और अगर आपका डॉग ब्रश नहीं करने देता है तो इसका सही उपाय ये है कि आप उसे पहले थोड़ी थका दें और उसके बाद आप उसे ब्रश कराने को लेके बैठें, तो शांत रहेगा तो वो ज़्यादा कुछ करेगा नहीं और आपको ब्रश करने देगा। और सबसे बेस्ट टाइम है ब्रश कराने का जब वो रात में उसके सोने का समय होता है, उस वक्त तो बिल्कुल शांत रहेगा, तो आप उस वक्त ब्रश कर दें। अभी मैं भी माफिया को रात में उसके सोने वक्त ही करता हूँ, क्योंकि उस वक्त ये बिल्कुल शांत रहता है और मैं जैसे करता हूँ वैसे ही करने देता है, तो मुझे तो यही बेस्ट टाइम लगता है कि रात में इसके सोने के वक्त ब्रश करा जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये शांत रहते हैं। या आपका डॉग डे में भी अगर कराता है शांति से तो बढ़िया है, आप उसे दिन में ही करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कुछ ऐसा था माफिया के ब्रशिंग का रिव्यू, और आप भी अपने डॉग को ऐसे ही ब्रश करा सकते हैं।